जो सरकार ने जल्दीबाजी में किसान विरोधी बिल पास किया है पार्लियामेंट में, मैं उसको वापस लेने के लिए एक खून से पत्र लिख रहा हूं प्रधानमंत्री जी को। और उसी के साथ साथ जो किसानों की फसल का उपज है उसका सही मूल्य उसको दे और डीजल का रेट घटाओ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डीजल का मूल्य घट चुका है, केवल भारतवर्ष में ही डीजल का मूल्य बढ़ा हुआ है। किस तरह से आप विरोध कर रहे हैं इसका? मैं खून से पत्र लिख के विरोध कर रहा हूं। अगर जरूरत पड़ी आने वाले समय में तो मैं यहां पे चक्का जाम करूंगा, रोड जाम करूंगा, और पड़ी तो मैं दिल्ली के लिए किसानों के साथ कूच करूंगा। हमारा आंदोलन देश के किसान, देश के अन्नदाता को समर्थित है। हम लोगों ने आज खून का पत्र लिख करके कोई विरोध नहीं किया, हमने देश के प्रधानमंत्री से अपील किया है कि आप श्रद्धेय अटल जी के तरीके से, चौधरी चरण के तरीके से, शास्त्री जी के तरीके से किसानों के साथ सहृदयता के साथ 20 दिन से वो कड़कड़ाती सर्द में जो अपने अधिकारों के लिए करके मांग कर रहे हैं, पूरे देश के अन्नदाता के लिए हितकर है, उनकी मांगों को मानिए, उनकी फसलों का उचित दाम देने का काम कीजिए, और जो किसान विरोधी तीनों बिल हैं इनको वापस लेने का काम कीजिए। अगर वास्तव में आप किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो श्रद्धेय अटल जी द्वारा गठित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कि आपके एजेंडे में भी था उसे आप लागू करने का काम करें। इसके लिए हम क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के साथ आज पत्र लिख करके अपील कर रहे हैं। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर है कि हमारी अपील को वो कितने ढंग से लेती है। यदि मेरी मांगों को, मेरी अपील को सरकार ने सहृदयता से नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि यूपी का ही नहीं देश का हर किसान दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन में सहभाग करेगा, जिसे रोक पाना सरकार के बस की बात नहीं होगी।